भाई सामने जान दो थोड़ा और हेलो सर, उन्होंने मुझे इनका मेडिकल कराने के लिए भेजे हमको भाई, लेकिन मैं तो कब से कह रहा हूं कि आ जाओ मेरे साथ। सर उन्होंने पकड़ा, मैंने उनको बोला सर मुझे क्यों पकड़ रहे हो, पकड़ो उनको जो हमें मार रहे हैं। नहीं जी आप आपको इनको पकड़ो। 30 साल में यहां पे कोई ऐसा ऐसा देखो कोई कोई एक शरारती तत्व होता है जिसकी वजह से ये सारा है। हम सब गुरुद्वारे में सामने थे, आप लंगर दे रहे थे, आप ही के साथ हैं अमन भैया, आप अमन भैया से पूछ सकते हो। मैंने आज तक किसी को तू करके भी नहीं बोला होगा। नहीं नहीं वैसे कोई बात नहीं, ठीक है दूसरा ये देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं पथराव जो है वो गाड़ी के ऊपर हुआ है। हालांकि पुलिस द्वारा फिलहाल इस गाड़ी को भी जो है वो यहाँ पर ले जाया गया। किसे मारा गया भैया? सर यहाँ से आ रहे थे सारे, यहाँ पे बुलेट के अंदर तुम फायरिंग निकाल रहे थे पटाखे। हमने खाली बोला कि भैया आप यहाँ पे मत करो, यहाँ पे एक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है। तो मैंने इनको बोला साथ में ये गुरुद्वारा साहिब है, अभी प्रोग्राम चल रहा है, प्लीज यार मत करो। मुझे कहते तुमने बदमाशी डाली है, ये जट्टो लड़के लखन लखन लड़का था, लखन लखन बंदे थे और उनके साथ काफी बंदे थे, तो उसके साथ में जितने भी थे मैं सब के करके यहाँ पे उन्होंने मुझे रोका, साथ में मेरे मत करो मुझे उन्होंने मारा। इसके साथ दोनों को हमने रोका, हुल्लड़बाजी मत करो, साथ में पेशेंट है, यहाँ पे कह रहे माहौल खराब करना, इलेक्शन का नहीं ट्रीटमेंट जरूरी, बाकी सब कुछ से कहा गया काम, माहौल खराब है भैया। वो कौन सी लोग, कौन सी अमनदीप पेपर है, गुरुद्वारा सामने प्रोग्राम चल रहा था, ये बाहर आके इन्होंने इतनी हुल्लड़बाजी मचाई, इतनी हुल्लड़बाजी मचाई, हमें सारा डिस्टर्ब कर दिया और ऊपर से मार के लड़कों को चले गए। नहीं तो उस टाइम कोई एक्शन नहीं लिया गया, जब वो यहाँ क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया? साइड हो जाओ ना, अगे हो जाओगे। सर ये हमारे लड़के थे, यहाँ पे बाहर गुरुद्वारा साहब में प्रोग्राम चल रहा था, तो यहाँ पार्किंग करने के लिए गाड़ियों वगैरह खड़ी होती है गुरुद्वारा साहब में, तो वो खड़े थे लड़के, तो वो पीछे से ही हुल्लड़बाजी करते आ रहे थे, माइक लगे हुए थे गाड़ी में, बुलेट के वो पटाखे निकालते आ रहे थे, तो उनको लड़कों ने बोला कि यहाँ पे गुरुद्वारा साहब प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे माइक स्लो कर लो, आगे जाके आप जो मर्जी करो, ठीक है आगे जाके जो मर्जी। उनको नीचे उतरे गाड़ी से और उनके साथ मारपिटाई शुरू कर दी, उनको बोला, और सभी ने ड्रिंक की हुई थी, उनके जेब में से बोतलें, और जब वो भागे यहाँ से, जब यहाँ से गुरुद्वारा साहब से संगत दौड़ के आई यहाँ से भागे, और उनके सभी यहाँ पे गिरे, क्वार्टर बोतलें उठा के पुलिस ने नहर में फेंके। अगर रैली निकाल रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका फर्ज बनता है कि मैं पूरी रैली को देखूं, ना कि मैं स्पीकर पढ़ के ऊपर खड़ा हो जाऊं और लीडर बन के सबको दिखाऊं मैं सब कुछ कर रहा हूँ। ये तिरंगा झंडा हमारा, इन्होंने नीचे फेंकी थी, हमने इनको उठा के संभाला रखा। कितने लोग जख्मी हुए सर? ये तो अब एडमिनिस्ट्रेशन बताइए, हमारे 3 लड़के जख्मी हुए हैं, उनकी MLC के लिए गए हैं, तो
उनकी हमने पुलिस प्रशासन से हमें बोला है कि उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाए और उनको अरेस्ट किया जाए। ये जट सभा के लड़के थे, उनमें से एक लड़का किसी ने आइडेंटिफाई किया, जिनको लगी है उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने बताया कि ये लड़का, तो हमने पुलिस और जो अमन बोपराय है, हाँ वो भी है ना, वही मेन लीडर है। अगर मैं कोई कर रहा हूँ ऑर्गेनाइज, तो मेरा फर्ज बनता है उसको पूरा देखना। प्रधान जी अपनी गाड़ी में वेपन लेके आए थे, तलवारें लेके आए थे, वो सीन हुई अभी गाड़ी की अंदर चौकी में, आप देखिए पुलिस वालों से बात कीजिए। वो निकाल रहे थे अपना रैली निकाल रहे थे और ये हुल्लड़बाजी करते हुए आ रहे थे, ये रैली नहीं थी, ये जैसे कोई हुल्लड़बाजी करते हुए आ रहे थे, बम उसके बुलेट के पटाखे गाड़ियों पे, हथियार और शराब इनके जेब में से निकली, जहाँ से भागे ना जब उनके बोतलें और क्वार्टर यहाँ पे गिरे हैं, उठा के पुलिस वालों ने लोगों ने नहर में फेंके। अगर गवर्नमेंट ने बुलेट बैन किया, हम मांग करते हैं इन सभी के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाए और जो बोपराय है इसको, इसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। अगर आप रैली ऑर्गेनाइज करते हैं, पहले चेक करें इसके बाद, पहले चेक करें इसके बाद परमिशन भी है या नहीं, क्या इसके पास परमिशन है, प्रॉपर परमिशन है इसको हथियार लेके साथ जाने की परमिशन किसने दी, इसके पास शराब वाले, इसने शराब भी सारे इकट्ठे करके लाने हैं, इसके खिलाफ और भोपाल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये सारी रैली ऑर्गेनाइज की है। बेसिकली असी गुरुद्वारा साहब अरदास हो रही थी, भोग पै रहा है गुरुद्वारा साहब, विसाखी का दिन है, बड़ा बड़ा दिन है साडा, और कुछ लोग असी गुरुद्वारा साहब बैठे सर, उत्थे इन्होंने बुलेट के पटाखे, ठीक है सर, जोर जोर की साउंड सिस्टम लगाया सी, और सरकार को इलेक्शन कमीशन की सख्त हिदायत, कोई रैली करनी है, कोई भी करना है, उगलबाजी नहीं होनी चाहिए, और लोगों ने ड्रिंक भी पीती थी, जिस बंदा रैली जो कढ़ा रहा है उसकी गड्डी तलवारां भी पई हुई हैं, पुलिस ने गड्डी अरेस्ट की है, ठीक है, पुलिस नाल लै गई उन्होंने, और मौके से पुज गए, पहले मैं ही मौके पुजा, जो लॉ एंड आर्डर जो असी संभालिया वो सानू पता किस तरह लॉ एंड आर्डर संभालिया, इस करके साडी सरकार को यह रिक्वेस्ट है, पुलिस को रिक्वेस्ट है, SSP जम्मू को, कि जो भी जरा वाकया है, जो अक्यूज्ड हैं, एक मेन अक्यूज है मुड़ा लखन घोप नसा का, अगर वो अरेस्ट हो जाएगा तो सारा पता चल जाएगा, पानी और दुध का आपसी होएगा, सारा पता चल जाएगा।